नए साल की शुरुआत हो गई और नए साल के साथ ही बिहार में राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुट गए हैं। 2023 के पहले सप्ताह में देश के बड़े नेता बिहार में दौरा करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 जनवरी को बिहार दौरा पर निकल रहे हैं। संभवतः नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर से यात्रा को शुरू करेंगे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 5 जनवरी को ही बिहार दौरे पर रहेंगे। वहीं 3 जनवरी को जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार के दौरे पर है। आपको बता दें कि 3 राजनेता अलग अलग क्षेत्रों में का दौरा कर रहे हैं, लेकिन तीनों राजनेताओं का मकसद सिर्फ एक है, वो है 2024 का लोकसभा चुनाव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार दौरा पर तो निकल रहे हैं, लेकिन 5 जनवरी से वो वाल्मीकि नगर से ही यात्रा की वो शुरुआत भी करने वाले हैं। इस दौरान जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकारी कामकाज का जायजा भी जो है वो लेंगे। देखिए तमाम बातें जो है वो सामने आ रही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुताबिक मौके पर पहुंचकर सरकार का विकास का भी वो जायजा ले सकते हैं। देखिए तमाम बातें जो है वो सीमा बिहार से जो है वो क्लियर हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश को जो है वो जो बिहार दौरे पर जब निकलते हैं तो इन तमाम चीजों का वो जायजा लेंगे। वहीं इस बिहार यात्रा के दौरान शराबबंदी, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों पर भी जो है वो जागरूकता अभियान चलाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह 14वीं बिहार यात्रा है। 14 बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बिहार का यात्रा कर चुके हैं। हालांकि इस यात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री राजनीति भी साधेंगे। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी अपनी राजनीतिक यात्राओं जो पे निकलते हैं तो उनको फायदा जो है वो होता है, लोग से संपर्क साधते हैं, लोगों से 1-to-1 मिलते हैं। ऐसे में इस यात्रा का प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव पे जरूर पड़ेगा। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दिन के दौरे पर बिहार पहुंच रहे हैं। 3 जनवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो पटना के कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ पहले बैठक करेंगे, वैशाली के गरौल में राजनीतिक सभा करेंगे, साथ ही छपरा के सोनपुर हरिहर क्षेत्र मंदिर में बाबा भोलेनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। जेपी नड्डा का यह राजनीतिक कार्यक्रम पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आयोजित किया जा रहा है। जिस तरह से बिहार में भाजपा सत्ता से बेदखल हुई है, उसके बाद अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए भाजपा के बड़े नेता लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं। इस कुछ महीने पहले अमित शाह सीमांचल के दौरे पर आए थे, उसके बाद अमित शाह छपरा के दौरे पर भी आए थे। एक बार जेपी नड्डा का यह दौरा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। वहीं इधर प्रदेश में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इस भारत जोड़ो यात्रा का बिहार चैप्टर बांका से शुरू होने वाला है। बांका के मंदार पर्वत से बिहार में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। 5 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो भी पहुंच रहे हैं। वहां से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। पहले दिन मल्लिकार्जुन जो है कुछ देर तक पद यात्रा में शामिल रहेंगे। इसके बाद इस यात्रा का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह करेंगे। यात्रा पहले चरण में 5 जनवरी से शुरू होकर 10 जनवरी तक चलेगी, जो बांका, भागलपुर, खगड़िया तक जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और यह दौरा विशुद्ध रूप से राजनीतिक है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यात्रा किया जा रहा है। जो भी अपडेट्स होगा लगातार आपको देते रहेंगे। बहरहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो हमारी फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर लें, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।